आपका दोस्त राजेंद्र और आज आपके वीडियो लेके आया हूँ एडवांस इनकम टैक्स के ऊपर। दोस्तों कई लोगों को प्रॉब्लम है कि एडवांस टैक्स क्यों दिया जाता है। दोस्तों मैं बता दूं, डिपार्टमेंट को समय समय में पैसे की जरूरत होती है, ठीक है। इसके लिए डिपार्टमेंट क्या करता है, एडवांस टैक्स ले लेता है। इससे डिपार्टमेंट के दो फायदे होते हैं, एक तो कोई भी इंडिविजुअल डिफॉल्ट नहीं कर पाता है, ठीक है ना, एंड टाइम पे उसका टैक्स बर्डन ज्यादा हो जाएगा जिसके कारण डिफॉल्ट हो जाएगा, और डिपार्टमेंट को गवर्नमेंट को फंड भी मिलता रहेगा टाइम टाइम पे, इसको भी अपने खर्चे करने होते हैं। तो इसके लिए एडवांस टैक्स का सेक्शन है, ठीक है ना। एडवांस टैक्स जो पे किया जाता है वो सेक्शन 208 के अंदर पे किया जाता है दोस्तों, और ये एडवांस टैक्स तभी एप्लीकेबल होता है दोस्तों। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है एडवांस टैक्स के अंदर कि जब इसका अमाउंट 10,000 से ऊपर, ठीक है ना, टैक्स का अमाउंट अगर 10,000 से ऊपर बन रहा तो ही एडवांस टैक्स देना है। ऐसे नहीं कि 5,000 टैक्स बन रहा है उसमें, नो नो नो। तो आपको सबसे एडवांस टैक्स देना कब है, 10,000 से आपके ऊपर टैक्स का अमाउंट बने दोस्तों। और सीनियर सिटीजन के लिए कितना माफ है, सीनियर सिटीजन समझ रहे उसके पास इतना समय नहीं है, वो आज के टाइम में बहुत ही बिजी है अपनी जिंदगी में, घूमना चाहता है थोड़ा, मतलब उसको इतना आइडिया नहीं रहता, भूल जाता है, एडवांस टैक्स की भी ड्यू डेट आती रहती है, ठीक है ना। तो सीनियर सिटीजन के लिए एडवांस टैक्स माफ है, ठीक है ना। लेकिन एडवांस टैक्स अगर उसकी बिजनेस इनकम से होती है दोस्तों, उसकी बिजनेस इनकम से होती है, क्योंकि अगर बिजनेस फोकस कर सकता है तो एडवांस टैक्स भी दे सकता है दोस्तों। आपने देखा होगा सीनियर सिटीजन नहीं आजकल एंजॉय करते हैं, चल भी नहीं पाते, लोग भूल जाते हैं, तो समझ रहे हो आप मेरी बात को ना, तो एडवांस टैक्स उनके लिए माफ होता है, ठीक है एक तरीके से। तो हम इसकी ड्यू डेट भी देख लेते हैं, ठीक है ना। ड्यू डेट इसकी जो एडवांस टैक्स की है, ठीक है, इसके अंदर मैं सबको बता दूं, पहला जो है आपको जाएगा 15 जून को जाएगा दोस्तों, 15 जून को पहला एडवांस टैक्स जाएगा, ठीक है। एंड देन इसके बाद 15 सितंबर को, ठीक है, एंड इसके बाद 15 दिसंबर को और 15 मार्च को दोस्तों। इस ड्यू डेट के अंदर आपको एडवांस टैक्स पे करना है दोस्तों। अब हमको समझ नहीं आता कि एडवांस टैक्स पे कितना करना है, नहीं एडवांस टैक्स करना कैसे है, एडवांस टैक्स कैसे पे कर, ये बहुत सारी चिंता का विषय बना हुआ है, ठीक है। एडवांस टैक्स में दोस्तों मैं बताता हूँ उसके कैसे पे करना है, कितना परसेंटेज पे करना है। एडवांस टैक्स के लिए सबसे पहले आपको इनकम कैलकुलेट करनी होगी। अगर आप लोग इनकम कैलकुलेट कर सकते हो एस्टिमेटेड, क्योंकि सैलरी अगर इंडिविजुअल है बहुत ही सिंपल है, उसके लिए बहुत ही सिंपल है ना, सैलरी कितनी आती है, कितना इंटरेस्ट बनेगा, कितना एफडी पे इंटरेस्ट बन सकता है, ठीक है ना। इंडिविजुअल के लिए काफी सिंपल है, लेकिन बिजनेस के लिए काफी मुश्किल होता है। तो जो बिजनेस एंटिटी होती है वो पिछले असेसमेंट ईयर, पिछले फाइनेंशियल ईयर की टैक्स को एक बेसिक मान के चल सकती है, ठीक है ना, पिछले फाइनेंशियल ईयर के बेस को एक बेसिक मान के चलना है, ठीक है। और जो टैक्स निकलेगा उसका 15% आपको फर्स्ट क्वार्टर के अंदर पे करना है 15 जून को, जिसकी जो डेट है वो है 15 जून, ठीक है ना। 15 जून तक आपको क्या करना है, 50% एडवांस टैक्स पे हो जाना चाहिए दोस्तों। और उसी टैक्स के अंदर आपको सेकंड क्वार्टर तक 45 क्वार्टर तक, यानी कि सेकंड क्वार्टर में 45 करना है, नहीं अगर आपने 15 कर दिया है तो आप 45 तक करना है, अगर आपने टोटल फिर 45 ही करोगे, अगर आपने 45 कराया तो 45 में से पहले 50 लेस करोगे तो सेकंड क्वार्टर तक इतना ही पे करना है। थर्ड क्वार्टर तक 75 तक पे हो जाना चाहिए, नहीं, और फोर्थ क्वार्टर तक 100% तक पे हो जाना चाहिए दोस्तों एडवांस टैक्स। इस तरीके से यहाँ पे परसेंटेज डिसाइड किया गया, ठीक है ना। 45 अगर आपने यहाँ 15 भी नहीं किया, 45 भी नहीं किया, तो आपको थर्ड क्वार्टर में 75 पे करना पड़ेगा, ठीक है ना। और अगर आप यहाँ पे कर रखा है आपने फर्स्ट क्वार्टर सेकंड क्वार्टर के अंदर, तो थर्ड क्वार्टर के अंदर आपको इसको और इसको लेस करके आपको 75% आपको जो टैक्स बनेगा ना, उस टैक्स का अमाउंट का आपको 75% तक पे हो जाना चाहिए। कई लोग होते हैं कि हाँ मैं तो नहीं कर रहा एडवांस टैक्स पे, मतलब अलग ही चौड़े में घूम रहे थे, तो उनके लिए क्या 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 है मैं आपको बता देता हूँ उनके लिए क्या है। उनके लिए इंटरेस्ट है, बहुत ही तगड़े इंटरेस्ट है, ठीक है। इसके अंदर एडवांस टैक्स के अंदर दो इंटरेस्ट है, ठीक है ना, दो सेक्शन है इंटरेस्ट के, मैं यहाँ पे बताना चाहूंगा, ठीक है। 234B है एक, ठीक है। 234B के अंदर कहा गया है कि अगर आपका मार्च तक 90% एडवांस टैक्स पे नहीं होता है तो मार्च के बाद से, ठीक है ना दोस्तों, मार्च के बाद, ध्यान रखना मार्च के बाद से, पहले का नहीं लगेगा, अप्रैल से स्टार्ट होगा आपका एडवांस टैक्स लगेगा। अगर 95% नहीं कटा है कब तक, जब तक आप रिटर्न नहीं भर देते या टैक्स पे नहीं कर देते, ठीक है ना, 1% पर मंथ, ठीक है दोस्तों, 1% पर मंथ। इसीलिए अपना 95% टैक्स आपको एडवांस टैक्स अप टू द मार्च पे कर, ठीक है ना, 1% आपका लगे। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं कि हम उससे पहले क्या होगा, उससे पहले का है उसका सेक्शन कवर करता है 234C, ठीक है ना। इसके अंदर कहा गया है कि आपको फर्स्ट क्वार्टर तक 15% टैक्स डिपॉजिट जमा करना है एडवांस टैक्स, जो मैंने आपको पिछली स्क्रीन में बताया था, ठीक ना। अब कई लोग नहीं करते हैं तो उनका क्या करेगा, जो डिफरेंस आएगा जितना 50% अगर पे होना चाहिए और नहीं कर पाए तो उसका डिफरेंस आएगा, उसको 1% वो इंटरेस्ट का भागीदार होगा। 45% सेकंड क्वार्टर तक हो जाना चाहिए, 75 एंड इस हिसाब से यहाँ पे
इंटरेस्ट लगेगा दोस्तों कि 34C के अंदर। आप बोलोगे यार सर जी ये तो बड़ा मतलब खतरनाक काम करवा रहे हो आप तो, क्योंकि बिजनेस नहीं करते कोई एस्टीमेट नहीं कर सकता। उन्होंने कहा है भैया चलो कोई नहीं, देखो ऐसा है बिजनेस इनकम के लिए हम रियायतें दे रहे हैं, थोड़ी रियायतें बोले तो मतलब थोड़ी छूट दे रहे हैं, क्योंकि परसेंटेज ऊपर नीचे हो सकता है थोड़ा, ठीक है ना। तो उसमें हम 234C के अंदर आपसे इंटरेस्ट नहीं लेंगे अगर बिजनेस इनकम होती है तो, ठीक है ना। तो उसके अंदर कहा गया है कि देखो आप 12% तक जमा करोगे तो भी नहीं, ठीक है ना, 36, 60, 100 इतनी तक की आपको छूट मिली हुई है, क्योंकि एडवांस टैक्स पे करते समय आपको एस्टिमेटेड इनकम को पता नहीं लग पाएगा, नहीं लग पाएगा ना यार, कैसे बता सकता है कोई फ्यूचर में कितनी इनकम है, तो एडवांस टैक्स तो इसी बेसिस पे, लेकिन हम आगे पीछे तो कर सकते हैं, इतनी रियायतें हैं बहुत है इतना, ठीक है ना। तो इस हिसाब से अपना एडवांस टैक्स पे कर सकते हैं दोस्तों, और समय पे एडवांस टैक्स पे करिए, क्योंकि इंटरेस्ट का अमाउंट बहुत ज्यादा बन जाएगा जिसके कारण आपको बहुत बड़ी 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 परेशानी होने वाली है। तो दोस्तों टाइम पे इंटरेस्ट एडवांस टैक्स पे करें और अपने इंटरेस्ट को बचाएं दोस्तों। तो दोस्तों गुड बाय।